हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को त्रिकोणमिति में मान सारणी बताऊंगा। चलिए हम लोग देखते हैं मान सारणी। त्रिकोणमिति में मान सारणी निकालने का ट्रिक, मान सारणी निकालने का ट्रिक आज हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको सीख पाएंगे। मान सारणी में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी यह त्रिकोणमिति का रेशियो हो गया। इसका त्रिकोणमिति में छह रेशियो होते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिएगा 0, 30, 45, 60 और 90। यानी मान सारणी में हम लोग को 0, 30, 45, 60 और 90 का निकालना है। सबसे तो पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मान सारणी मालूम होता है, इसमें मान हम लोग तुरंत इसको भर लेते हैं या लिख लेते हैं, लेकिन आज हम लोग शुरू से सीखेंगे इस प्रोजेक्ट कैसे हम लोग इस मान सारणी को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कॉस टेन है, यह त्रिकोणमिति का अनुपात हो गया, तीन ठो अनुपात इसका हो गया और तीन ठो इसका विलोम होता है, जो हम लोग इसके पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं। साइन का विलोम कॉस एक होता है, कॉस का विलोम सेक होता है और टेन का विलोम कॉट होता है। यहाँ पे यह मालूम होना चाहिए कि साइन का विलोम कॉस एक, कॉस का विलोम सेक और टेन का विलोम कॉट होता है। अगर यह तीनों हम लोग को मालूम होगा तो तीन को अगर इसका हम लोग मान सारणी अगर याद कर लेते हैं या याद रहता है तो यह तीनों अपने आप हो जाएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं मान सारणी सीखेंगे निकालने का। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, देखिए इस तरह से हम लोग ने देखा कि छठ त्रिकोणमिति अनुपात हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो इसके लिए हम छठ डिजिट लेंगे, कितने डिजिट लेंगे, छठ। यहाँ पे डिजिट हम लोग का होगा जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस तरह से हम लोग छः डिजिट लिए। और छः डिजिट में सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं, कितना लोग यहाँ पूछते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग डिजिट क्यों छठ लेते हैं, क्योंकि जिस समय हम लोग का त्रिकोणमिति बना उस समय त्रिकोणमिति अनुपात जो था वह छः रेशियो में था, छः अनुपात में था, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इस तरह से हम लोग छः डिजिट यहाँ पे लेते हैं। पर्सनली दोस्तों हम अपना ट्रिक बनाए इसको, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो फाइव है इसको हम अंडरस्टूड करके चलेंगे, यहाँ पे फाइव जो है अंडरस्टूड करके चलेंगे। पहले तो हमने फाइव यहाँ पे सिक्स डिजिट जो है इसलिए लिखे क्योंकि छः यहाँ पे हम लोग का त्रिकोणमिति अनुपात था, जिसमें हमने फाइव को अंडरस्टूड कर दिया। और जब फाइव हमारा अंडरस्टूड हो गया तो हमारे पास नंबर कितने बच गए, 1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी इतने हमारे पास डिजिट हो गए। और इसमें भी जो सबसे बड़ा डिजिट है वह 4 है, तो जो 4 बड़ा डिजिट है तो यहाँ पे सबसे पहले सबके लिए देखिए, यहाँ पे सबके लिए यह 4 जो है यह मेन हो गया। यानी पहले से तो हम लोग को मान सारणी मालूम नहीं है कि पहले से साइन का मान क्या दिया है, कॉस का मान, टेन का, कुछ नहीं मालूम है हम लोग को। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने देखा 0, 1, 2, 3, 4 हमने चार डिजिट लिया, पांच हम लोग छह डिजिट लिए थे जिसमें से हम लोग के पास अब बच गया 5 डिजिट, और 5 डिजिट में भी हमारा 4 सबसे ज़्यादा है। और सबको हम लोग यहाँ पे रूट में रखेंगे, रूट में जैसे ही हम लोग करते हैं 0, 0/4, 0/4 का वैल्यू हम लोग आता है 0। इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पे देखें कि साइन 0 डिग्री का मान हमारा कितना हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए
एक है तो एक के बट्टे में भी हमारा सबसे बड़ा डिजिट हो गया यानी फोर होगा, तो एक बट्टे फोर यानी इसका मान कितना हो गया एक बट्टा दो, यानी 37 डिग्री का हम लोग का मान कितना हो गया एक बट्टा दो। और देखिए यहाँ पे 45 का निकालना है, इसी तरह से दो बट्टा फोर करेंगे, दो का मान यहाँ पे रूट दो हो जाएगा, यहाँ दो का मान हो जाएगा, दो से काटेंगे यहाँ पे देखिए दो एकम दो दो दूना चार, यानी एक का वैल्यू एक हो गया और दो यहाँ पे रूट हो जाएगा। यानी किस तरह से हम लोगों ने देखा कि दो बटे फोर है, दो को काटेंगे एक मर्त में दो एकम दो हो जाएगा और दो से काटेंगे दो मर्त में रूट दो हो गया। इस तरह से हम लोग का 45 यानी यहाँ पे 45 का मान हम लोग का हो जाएगा साइन 45 का मान हो गया एक बटे रूट दो। अब साइन 60 का मान हम लोग को निकालना है, तो साइन 60 के मान के लिए यहाँ पे 3/4 हो गया, 3/4 का हो गया रूट 3 और 4 का मान हो गया 2, यहाँ पे लिखे रूट 3/2। अब 90 का मान निकालना है हम लोग को, यहाँ पे हो जाएगा रूट 4 और 4/4, 4 से 4 कटेगा 1 हो जाएगा। दोस्तों तो इस तरह से हम लोग ने देखा, हम लोग के पास तो पहले से कोई मान सारणी इसका मान वगैरह नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सरल तरीके से यानी 6 डिजिट लिख करके हम लोगों ने इसमें से फाइव जो हम लोग के पास डिजिट बचा उसमें से सबसे बड़ा डिजिट हो गया 4, और सबसे सब जो जितना डिजिट बचा है उसमें 4 से हम लोग डिवाइड किए और जो इसका मान निकला इस तरह से हम लोग का मान हो गया साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान 1। इस तरह से हम लोग देखे, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है कॉस का मान। तो कॉस का मान निकालने के लिए हमको करना कुछ नहीं है, बस केवल मान को यहाँ पे हम लोग उल्टा लिख देते हैं, यानी यहाँ पे है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। केवल इस मान को हम इस साइड से अगर लिखना प्रारंभ करते हैं, यहाँ पे 1√3/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 इसी पे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी केवल इसी मान को हम यहाँ से अगर इसका उल्टा इस साइड से लिखना प्रारंभ कर देते हैं तो यह कॉस का मान हो जाता है, यानी कॉस का मान हो गया कॉस 0 डिग्री का मान हो गया 1, कॉस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, कॉस 45 का मान हो गया 1/√2 और कॉस 60 का मान हो गया 1/2 और कॉस 90 का मान हो गया 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का मान हो गया 0 यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम लोग को निकालना है 10 का मान। अब 10 का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक फार्मूला मालूम है, यहाँ पे फार्मूला मालूम होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते हैं तो हम लोग का मान निकलता है 10 थीटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा हम लोग का फार्मूला होता है 10 थीटा के बराबर, साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी 10 थीटा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 10 थीटा का अगर हम लोग को मान निकालना है तो 10 थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा के मान से कॉस थीटा के मान से इसमें भाग दे देंगे, साइन थीटा का मान जो दिया है कॉस थीटा के मान से इसमें डिवाइड कर देंगे और वह 10 का मान निकल जाएगा। तो यहाँ 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे 0 में तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे 1/2 है और √3/2 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आपका 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/√2 और 1/√2 इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करना है 2 से 2 कट जाएगा बट्टे में 1 हो जाएगा यानी √3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को करना है 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो जब भी किसी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करना होता है तो वहाँ पे इसका मान अपरिभाषित आता है, इसको अपरिभाषित कहेंगे, अपरिभाषित। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यह जो त्रिकोणमिति में मान सारणी निकालना होता है वह बिल्कुल आसान होता है, बस हम 6 डिजिट लिख करके और मान सारणी निकाल सकते हैं, यानी साइन कॉस 10। अगर एक मान अगर यहाँ पे निकल जाता है तो कॉस का केवल उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, 10 का करना है कॉस साइन के मान से कॉस के मान से भाग दे देंगे इसमें 10 का मान निकल जाएगा। इस तरह से अगर साइन कॉस और 10 का मान हम लोग को मालूम रहेगा तो इसी का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इस तरह से हम लोग देखें कि अगर इसका मान याद रहे तो यह तीनों का एरिथमेटिक हम लोग याद कर सकते हैं,
अगर कोई आपसे पूछता है कि साइंतीस का मान कितना है तो 1/2, अगर कोई आपसे पूछेगा कोसेक तीस का मान कितना होगा तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, यानी केवल 2 हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कोसेक, यहाँ पे पूछेगा कोई कोस 60 डिग्री का मान, यहाँ पे मान लीजिए 1/2 है, तो कोई पूछता है सेक 60 डिग्री का मान यहाँ पे कितना होगा, तो केवल यहाँ पे 1/2 है, तो वहाँ 2/1 हो जाएगा। यानी इस तरह से देखिए, टेन अगर कोई पूछता है, टेन 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो कोई पूछता है कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ 3/1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 6 डिजिट लिख करके और बहुत ही आसान तरीके से मान सारणी याद कर पाए और इसका अपोजिट भी याद कर पाए। ठीक है, मिलेंगे फिर भी।